Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा शू कलेक्शन. मेरे पास 400 रुपए से लेकर के 8000 तक के सब कैटेगरी के जूते हैं. मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लेट्स गेट स्टार्ट. सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे सारे स्नीकर्स. मैं स्टार्ट करूंगा सबसे कम प्राइस वाले से लेकर के और जाऊंगा सबसे महंगे जूतों की तरफ. द फर्स्ट वन इज दीज मरून स्नीकर्स. ये है फ्रॉम द ब्रांड हाउस एंड शील्स. ये अमेजोन का इन हाउस ब्रांड है, बहुत ही सस्ता है और क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है. और अगर आप इनका प्राइस सुनेंगे तो आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे. ये सिर्फ 399 रुपीस के हैं और ये मैंने खरीदा था ऑफकोर्स अमेजोन से. एवरीडे कैजुअल में अगर आप पहनना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज में है, गुड क्वालिटी स्नीकर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसको ऑप्ट कर सकते हैं. इसका जो सोल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, कहीं से भी नहीं लगता है सिर्फ 400 रुपए का है, बट एक्चुअली में ये इतने का ही है और आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग देता है पहन करके और बहुत कंफर्टेबल भी है. और अगर हम कलर की बात करें तो उसमें बहुत ही क्लासी और बहुत ही डिसेंट कलर्स हैं. जैसे कि ये जो मरून कलर है, ये बहुत ज्यादा चटक नहीं है, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है. अगर आप इसको पहनेंगे तो ये बहुत ही सूदिंग लगता है आंखों को. और मैंने इसको एक ऑलरेडी वॉश भी किया हुआ है तो आप देख सकते हैं क्वालिटी ऐसी लग रही है जैसे कि एकदम नए खरीदे हुए हैं. तो नेक्स्ट वन आर माई फेवरेट, दीज कलरफुल स्नीकर्स. ये व्हाइट में है और इसमें ऑरेंज, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ये सारे कलर्स हैं. ये मेरे ऑन द गो हैं, मतलब कि मैं इनको मोस्टली पहनता हूँ. ये मैंने अभी एक्चुअली पिछले साल रिसेंटली लिए हैं नवंबर में और मैंने इनको 4-5 बार पहना है एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ज़्यादा हल्के हैं. और प्राइस की बात करें तो ये है सिर्फ 499 रुपीस के, दैट्स इट. मैंने एक्चुअली इस टाइप के स्नीकर्स देखे थे जारा में और वो मुझे पड़ रहे थे 6,500 रुपए के. और जब मैंने इसको अमेजोन में चेक किया तो ये मुझे सिर्फ 500 रुपए के पड़ रहे थे. सो आई थॉट कि लेट मी जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड ट्रस्ट मी गाइस, क्वालिटी वाइज एवरीथिंग इज सो गुड. अगर आपके ये 6 महीने या 1 साल भी चल जाते हैं तो भी इट्स वर्थ द मनी. तो डेफिनेटली यू शुड चेक दिस आउट. ऑल्सो गाइज, मैं जितने भी स्नीकर्स दिखा रहा हूँ आपको सबके सब नीचे उनके लिंक्स दिख जाएंगे. और मैंने एक अलग से लिंक बनाया हुआ है माई हॉल स्टोर के नाम से, वहां पे आप ये सारे स्नीकर्स एक साथ चेकआउट कर सकते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. नेक्स्ट वन आर एडिडास ओरिजिनल के ये स्नीकर्स. आई एम किडिंग, ये एडिडास ओरिजिनल्स के नहीं है बट एग्जैक्टली कॉपी है. और ये है फ्रॉम द ब्रांड स्पार्क्स. जब मैंने इनको देखा था और इनका प्राइस सुना था तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड, क्योंकि मेरे पास एडिडास ओरिजिनल्स के सेम ऐसे ही है और मुझे वो पड़े थे 4,500 रुपए के और मैंने वो खरीदे थे एटलीस्ट 3 साल पहले. मैं उसी टाइप के एक स्नीकर ढूंढ रहा था बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वो 4,000 रुपए दोबारा स्पेंड करूँ. तो मैंने ये स्पार्क्स के स्नीकर खरीदे हैं और ये एग्जैक्टली वैसी ही कॉपी है. स्पार्क ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड है और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं. सो इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी. प्राइस की अगर हम बात करें तो ये पड़ेंगे आपको सिर्फ 674 रुपीज के, दैट्स इट. आई थिंक अगर आप एक गुड वाइट स्नीकर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ये चेकआउट कर सकते हैं. क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, पूरी एडिडास ओरिजिनल की लुक देते हैं आपको. नेक्स्ट वन आर माय कॉन्वर्स शूज. ये एक्चुअली मैं बहुत टाइम से लेना चाहता था बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि ये ओरिजिनल कॉन्वर्स नहीं है, ये लोकल कॉन्वर्स हैं. रिसेंटली अमेजोन से शॉपिंग करा था और जब मैंने ये शूज देखे और उनका प्राइस देखा सो आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ. दीज आर फ्रॉम द ब्रांड क्लेप. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट बट या दीज आर वेरी गुड क्वालिटी और ये मुझे पड़े थे 729 रुपीज के. कैन यू गाइस बिलीव इट. और क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही है कॉन्वर्स की जैसे जब भी मुझे कैजुअली कहीं जाना होता है या फिर फ्रेंड्स के साथ मैं बाहर जाता हूँ तो मैं इनको ट्राई कर लेता हूँ. मैंने इनको ज़्यादा नहीं पहना है, मुश्किल से 2 या 3 बार पहना है बट बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट मुझे नहीं लगा है और काफ़ी अच्छे लग रहे थे पहन के. सो या दीज आर माई नेक्स्ट शूज. नेक्स्ट अप आर दीज ब्लैक स्नीकर्स. दीज आर माई फेवरेट्स क्योंकि मैंने ये बर्थडे में खरीदे थे अमेजोन से. बहुत टाइम से बिल्कुल प्योर ब्लैक स्नीकर ढूंढ रहा था और मुझे फाइनली अमेजोन से ये मिले और ये मुझे पड़े थे सिर्फ 600 रुपीस के अराउंड के. ये बेसिकली ट्रेनिंग शूज हैं. मैं एक्चुअली जब भी वर्कआउट करता हूँ तो मैं एक ही टाइप के शूज एवरीडे पहन के बोर हो जाता हूँ. मैं बैकअप शूज ढूंढ रहा था तो मैंने ये खरीदे और मुझे काफी अच्छे लगे. मैंने इनको पहन के 3 या 4 बार वर्कआउट किया है एंड दे आर टोटली गुड. 600 रुपए के हिसाब से तो ये बहुत अच्छे हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं. अगर आप बजट ट्रेनिंग शूज या वर्कआउट शूज ढूंढ रहे हैं तो आप उनको जरूर चेकआउट कर लीजिए. अब शुरू होते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव रेंज. फर्स्ट वन आर दीज एडिडास ओरिजिनल स्टैन स्मिथ. डोंट वरी, ये फेक नहीं है, दीज आर ओरिजिनल एडिडास ओरिजिनल्स. और ये मैंने खरीदे थे 2-2.5 साल पहले. आप देख सकते हैं इनकी हालत कि मैंने इनको कितना ज़्यादा पहना है और मैं इनको बहुत ज़्यादा रफली यूज़ करता हूँ. ये मुझे पड़े थे आई थिंक 7,000 रुपीज़ के. यस, ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं बट उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज था इनका. आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई बॉट देम. बट 7,000 रुपए के हिसाब से मैंने काफ़ी पैसे वसूल कर लिए हैं. आई थिंक अभी भी ये चलेंगे मेरे 1-2 साल और. सो या
तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक. यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल. आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. हियर इज माय हैंडल एंड फॉलो मी देयर एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन